हेलो फ्रेंड आज मैं स्नोमैन की डिज़ाइन बना रही हूँ ग्राफ के हेल्प से और यहाँ पे जैसे कि मैं हर प्रोजेक्ट में बताई हूँ कि ग्राफ में कैसे हम फंदे गिनते हैं तो ये हमारा एक क्रॉस है वो एक फंदा काउंट होगा तो ये हमारा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो ये हमारा जो है स्नोमैन जो है ट्वेंटी वन फंदे के चौड़ाई में बना हुआ है और इसी के मल्टीपल्स हम जिस भी प्रोजेक्ट में ये डालेंगे पैटर्न डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा ये ट्वेंटी वन फंदे का है और हमने यहाँ पे एक पजामा बच्चे का बना रहे हैं जिसमें कि हमने फोर्टी फंदा डाला है तो जिसमें कि हमारा ट्वेंटी वन फंदे बीच में हो जाएंगे और साइड साइड में टेंट टेंट फंदा हमारा बच जाएगा तो इस तरह से बीचों बीच में हमारा डिज़ाइन आएगा आइए इस डिज़ाइन को हम बनाना देखते हैं यहाँ मेरा ट्वेंटी वन फंदे का है और मैं फोर्टी वन फंदे इसमें डाले हैं टेन फंदे हमने इधर बीन लिए अब वाइट कलर लगाते हैं यहाँ पे जो कि इक्कीस फंदे हम बीनेंगे व्हाइट से एक दो तो, तीन चार यहाँ पे ट्वेंटी वन फंदे हमारे वाइट बन गए यहाँ से यहाँ तक फिर इधर बचे जितने टेंट फंदे दो चार छ आठ दस ग्यारह तो यहाँ ये हम पूरा ब्लू लगा लेंगे <coughs> यहाँ पे से पूरा ट्वेंटी वन है वाइट है तो यहाँ बीच में बहुत मोटा आ जाता है तो इसलिए हम यहाँ पे दूसरा ब्लू यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो इस तरह से जो है ओवरलैपिंग नहीं होगी और बहुत मोटा स्वेटर नहीं बनेगा मेरा यहाँ साइड के हमारे जो फंदे बचे हैं इलेवन फंदे ये हम जो है ब्लू कलर से बिल लेंगे हम आते हैं दूसरे राउंड सलाई नंबर सेकंड रो में सेकंड रो में देखिए यहाँ हमारा एक ब्लू के ऊपर एक वाइट बन गया ये हमारी सेकेंड रो फर्स्ट ये बन गई थी फिर दो वाइट दो ब्लू और बाकी हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन जो है वाइट बनेगा फिर दो ब्लू बनेगा और फिर दो वाइट और फिर बाकी ब्लू बन जाएगा तो सेकेंड रो बनाते हैं सेकेंड रो में हमारा देखिए ये हमारा ऐसे प्लेन ब्लू बनता जाएगा मेन हमारा ये बीच में जो स्नोमैन का पोर्शन बना रहा है इसी में हमारा चेंज होगा सेकेंड रो में दो वाइट एक ब्लू फिर बीच में बारह वाइट फिर एक दो ब्लू है दो वाइट है फिर ब्लू बन गया है एक वाइट के ऊपर एक ब्लू इधर बढ़ गया एक वाइट के ऊपर एक ब्लू इधर बढ़ गया।, गया अब हम रो नंबर थर्टीन में आते हैं रो नंबर थ्री में ये वाइट के ऊपर भी हमारा ब्लू लग जाएगा और एक ब्लू और इधर बन गया अब यहाँ पे हमारे ट्वेल्थ थे तो ट्वेल्थ की जगह यहाँ पे हमारे थर्टीन वाइट बन जाएंगे तो ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है कुछ ज़्यादा इसमें चेंज नहीं करना है सीधी सीधे इसमें कलर हमको बस देखना है यहाँ पर थर्टीन हमारे वाइट बन जाएंगे यहाँ पे देखिए बीच में थर्टीन वाइट मेरे बन गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन बन गए उसके बाद जो है सारे फंदे डार्क ब्लू बन जाएंगे अब हम रो नंबर फोर पे आते हैं रो नंबर चार में छः वाइट बनेगा ब्लू बनाने के बाद सारे ब्लू पे ब्लू बनेंगे ये हमारा ये व्हाइट शुरू हो गया इसमें छः वाइट बनेगा वाइट एक ब्लैक फिर वाइट यहाँ पे देखिए छः वाइट बन गया फिर बीच में एक ब्लैक फिर वाइट अब बाकी सारा ब्लू पे ब्लू बनेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा ये बन गया रो नंबर फोर में छः वाइट एक ब्लैक फिर छः वाइट रो नंबर फाइव में हमारा एक एक वाइट दोनों तरफ से बढ़ जाएगा तो सात सफ़ेद इधर वाइट सेवन वाइट इस साइड और फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक फिफ्टीन हमारे वाइट बन जाएंगे ब्लैक के ऊपर भी वाइट लग जाएगा तो एक फंदा इधर बढ़ा देंगे सात एक आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह एक इधर हम वाइट बढ़ जाएगा पंद्रह फंदे बीच के वाइट बढ़नेंगे पाँचवीं सिलाई में रो नंबर पाँचवीं में भी पूरा जो है पंद्रह सफ़ेद बन जाएगा रो नंबर छठवीं सिक्स जो है वो भी जो है पूरा पंद्रह फिफ्टी वाइट बन जाएगा और साइड साइड के डार्क ब्लू बन जाएंगे फिर रो नंबर सेवन पे हम आते हैं एक इधर देखिए बन गया तो यहाँ देखिए फिफ्टीन हो गए वाइट अब रो नंबर सिक्स जो है वो भी उल्टी साइड से भी पूरा पंद्रह फंदे हमारे सफ़ेद बनेंगे और दोनों साइड के ब्लू रहेगा ये हमारी बन गई छठवीं रो अब सातवीं रो में हम आ गए सातवीं रो में यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन वाइट बनेगा फिर वन ब्लैक फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन हमारा वाइट एक ब्लैक और सेवन वाइट इस तरह से ये हम सातें रो कंप्लीट करते हैं ये हमारा सात वाइट बन गया फिर बीच में एक ब्लैक और फिर इधर के सात वाइट बन जाएंगे सेवेंथ रो में और बाकी के सारे ब्लू डार्क ब्लू बन जाएगा इसमें ये ध्यान देने के जितना वाइट इधर है उतना ही वाइट हमारा दूसरे साइड भी रहेगा बीच में एक ब्लैक आया बाकी सब डार्क ब्लू बन जाएगा हम रो नंबर एट में आते हैं देखिए रो नंबर एट में आ गए रो नंबर एक एट में एक वाइट हमारा कम हो जाएगा एक इधर ब्लू बढ़ गया वाइट के ऊपर और यहाँ पे हमारे तेरह वाइट बन जाएंगे बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक, तक तेरह वाइट बिनाया जाएगा यहाँ बीच में देखिए आठवीं रो में हमारी तेरह व्हाइट बन गया एक वाइट इधर से कम हो गया और एक व्हाइट इधर से कम हो गया अब रो नंबर नाइन में आते हैं अब देखिए रो नंबर नाइन में यहाँ पे हमारा एक रेड ब्लू के ऊपर लग जाएगा और दूसरे साइड भी एक रेड हमारे यहाँ पे लग जाएगा रो नंबर नाइन में यहाँ पे हम एक रेड लगाएंगे बाकी बीच के तेरह फंदे सफ़ेद वाइट के ऊपर वाइट हमारे बनेंगे ये देखिए रूम नंबर नाइन हमारा हो गया एक रेड बीच में थर्टीन वाइट फिर एक रेड और साइड साइड के ब्लू बन जाएंगे ये कंप्लीट होता है हमारा रो नंबर नाइन अब रो नंबर टेन पे आते हैं देखिए बैक साइड में मेरा इस तरह से आ रहा है और बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं है बहुत दम नीट आता है बनने पे आप चाहे तो इसके बढ़ाते हुए भी बिना काटे बन जाते पर उसे उलझ जाता है इसलिए मैं इसमें छोटे छोटे ज्वाइंट लगा के कार्टून भी के जो भी डिज़ाइन या पैटर्न होता है उसको बनाते हैं ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और बिना ही ईजी में और आसान हो जाती है बनाना यहाँ पे देखिए रोड नंबर टेन में हम आ गए हैं ये हमारा है ग्राफ में रोल नंबर टेन जिसमें कि देखिए दो रेड से एक आगे हो गया है तो ब्लू दो ब्लू के ऊपर दो रेड बनेगा फिर दो वाइट फिर वन टू तो, थ्री फोर फाइव फाइव हमारा वाइट बनेगा एक ब्लैक फिर पांच सफ़ेद फिर दो ब्लू फिर दो रेड इस तरह से रोल नंबर टेन हमारी कंप्लीट होगी तो यहाँ पे देखिए ये मेरा दो ब्लू के ऊपर रेड लग जाएगा और यहाँ पे दो हमारा डार्क ब्लू बन जाएगा दो रेड दो डार्क ब्लू हो गया फिर बीच में हमारे कितने फंदे बचे पांच फंदे वाइट बनेंगे बीच का एक ब्लैक बनेगा चार और एक ये, पाँच ये देखिए ब्लैक वाली रो चल रही है तो यहाँ बीच में हम एक ब्लैक बना देंगे फिर पांच फंदे वाइट बनेंगे वन टू थ्री फोर और एक फाइव अब यहाँ पे जैसे इस साइड में दो ब्लू बने थे यहाँ पे हमारे दो ब्लू बन जाएंगे वन टू दो ब्लू हो गए फिर उसके बाद हमारा इधर देखिए दो हाथ वाले पोर्शन का दो रेड लगा है इसको बनाने के लिए यहाँ पे भी हम यह वन और टू इस तरह से रो नंबर टेन हमारी कंप्लीट हो गई दो रेड इधर लग गया और दो रेड इधर लगे बीच में दो ब्लू दो ब्लू फाइव वाइट फाइव वाइट और बीच में ब्लैक इस तरह से ये हमारा बन के आता है अब आते हैं नेक्स्ट रो में रोड नंबर इलेवन में देखिए यहाँ पे दो रेड बनाए थे तो एक रेड के ऊपर ब्लू आ गया एक रेड बनेगा यहाँ पे हमारे तीन ब्लू बन जाएंगे वन टू और एक ये थ्री ब्लू हो गया अब एक वाइट यहाँ कम हो गया यहाँ पे हमारे बीच में नाइन बच गया यहाँ भी एक कम हो जाएगा तीन ब्लू हो जाएगा वन रेड हो जाएगा तो बीच में हमारे यहाँ पे नाइन वाइट बन जाएंगे रो नंबर इलेवन में ये हमारे नाइन वाइट हो गए फिर थ्री ब्लू बन जाएगा दूसरे साइड पे थ्री ब्लू के ऊपर बाद एक रेड और बाकी सारा डार्क ब्लू बन जाएगा अब हम रो नंबर ट्वेल्व में आ जाते हैं रो नंबर बारह में ट्वेल्व में यहाँ पे एक वाइट कम हो जाएगा इसके ऊपर ब्लू आ जाएगा और ये हमारे जो वाइट आठ पंदे हैं दो चार छ दो आठ आठ फंदे के ऊपर पूरा रेड बन जाएगा और बाकी सब ब्लू बन जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बाकी इधर के फंदे जो बच्चे हैं वो सारे डार्क ब्लू बन जाएंगे अब आते हैं रोड नंबर थर्टीन में रोड नंबर थर्टीन में देखिए यहाँ पे हमारा दो रेड बढ़ गया है तो यहाँ पे रोड नंबर थर्टीन दो ब्लू के ऊपर दो रेड बढ़ जाएगा और बाकी रेड के ऊपर हमारा वाइट लग जाएगा रोड नंबर थर्टीन बनाते हैं अब यहाँ पर ये देखिए मैंने दो रेड बनाया एक ब्लू फिर बाकी ये जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन रेड है इसके ऊपर वाइट लग जाएगा मेरा ये बन गया हमारा और उसके बाद इधर का जो है वो सारा ब्लू बन जाएगा ये देखिए रोड नंबर फोर्टीन में एक इधर हमारा वाइट बढ़ जाएगा तो यहाँ पे तीन वाइट हो जाएंगे वन टू थ्री वाइट के बाद थ्री ब्लैक एक दो तो, तीन और इधर के साइड एक वाइट इधर बढ़ जाएगा एक दो एक तीन ये तीन ब्लैक हो गया ये देखिए रो नंबर फिफ्टीन में यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा डार्क ब्लू आ जाएगा डार्क ब्लू के बाद दो हमारा वाइट बनेगा और एक ब्लैक यहाँ पे बन जाएगा ठीक है फिर ये तीन ब्लैक के ऊपर तीन वाइट बन जाएगा फिर यहाँ पे एक ब्लैक इधर बनेगा और दो वाइट रहेगा तो रो नंबर फिफ्टीन पंद्रह में ये चेंज होगा और ये हमारा जो है फेस का पार्ट बनना शुरू हो गया है ये देखिए रोड नंबर फिफ्टीन मेरा बन गया दो वाइट एक ब्लैक फिर बीच में तीन वाइट एक ब्लैक और दो वाइट बन गया फिर पूरा जो है ब्लू बन जाएगा रोड नंबर सिक्सटीन में आ है यहाँ पर देखिए रोड नंबर सिक्सटीन में हमारा वन टू थ्री फोर फोर वाइट बनेगा बीच का एक रेड बनेगा फिर वन टू थ्री फोर वाइट बनेगा और बाकी सब ब्लू बन जाएगा रोड नंबर सिक्सटीन बनाते हैं हम ये देखिए रो नंबर सिक्सटीन में हमारा चार सफ़ेद बनेगा वन टू थ्री फोर फोर वाइट बना फिर बीच में एक रेड और बाकी इधर के चार फंदे जो है ये वाइट बन जाएंगे ये देखिए चार वाइट ए वन रेड फिर चार वाइट अब बाकी सब ब्लू बन जाएगा ये बन गया रो नंबर सिक्सटीन अब रो नंबर सेवनटीन में ये देखिए यहाँ पे हमारा एक वाइट बन जाएगा एक ब्लैक एक वाइट और एक ब्लैक और ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा एक ब्लैक वाइट ब्लैक और ये बाकी इधर के जो है वाइट हमारे बन जाएंगे रो नंबर सेवनटीन देखिए ये हमारा ब्लू वाला बन गया फिर उसके बाद हम तीन वाइट बनाएंगे एक दो तीन तीन वाइट आया अब इस रेड के बगल में एक ब्लैक बन जाएगा हमारा ये देखिए रो नंबर सेवेंटी में तीन वाइट हो गया एक ब्लैक एक वाइट एक ब्लैक इधर तीन बंदे बचे व्हाइट वाइट के ऊपर वाइट बन जाएगा और बाकी पूरा ब्लू बन जाएगा तीन वाइट बन गया इस तरह से हमारा रोल सेवेंटीन कम्प्लीट होता रो नंबर एटीन पे आएगा ये पूरा ब्लू बना के फिर यहाँ पे आते हैं एटीन पे तब देखते हैं क्या चेंज होता है अठारहवीं सिलाई में रो नंबर एटीन में एक एक वाइट कम हो जाएगा और यहाँ पे बीच में सात हमारे वाइट बन जाएंगे एक वाइट कम हो जाएगा यहाँ पे और बीच में सात वाइट बनेंगे तीन चार पाँच सात. एक वाइट इधर से कम हुआ एक वाइट इधर से कम बीच में सात वाइट बन गया अब रो नंबर नाइनटीन में आते हैं रो नंबर नाइनटीन में यहाँ पे हमारा एक ब्लैक लग जाएगा ब्लू के ऊपर एक ब्लैक लगेगा ये देखिए रो नंबर नाइनटीन में हमारा एक यहाँ से ब्लैक शुरू हो गया बढ़ गया है आठ ब्लैक बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ काला बन गया अब इसके बाद एक ग्रीन बनेगा ये रोड नंबर नाइनटीन में यहाँ पे वाइट के ऊपर आठ ब्लैक बन गया एक इधर हमारा ब्लैक बढ़ के आठ इधर हो गया एक ग्रीन हो गया बाकी सब ब्लू बन जाएगा रोड नंबर ट्वेंटी मेरा आ गया रोड नंबर ट्वेंटी में यहाँ पे देखिए ये एक ग्रीन है तो इसके ऊपर जो है हमारा एक ब्लू बढ़ जाएगा और फिर ये ग्री एक ग्रीन बनेगा उसके बाद नेक्स्ट पंदे फिर ग्रीन के बगल में एक हमारा रेड बनेगा एक ग्रीन एक रेड बाकी हमारे पांच पंदे ब्लैक बन जाएंगे ये ब्लैक है पांच फंदे जो हैं ब्लैक पे ऊपर ब्लैक वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ये हमारे ब्लैक बन जाएंगे बाकी ब्लू इस साइड में भी एक फंदा काले के ऊपर नीला डार्क ब्लू लग गया है तो इस तरह से पांच काला एक लाल एक हरा ये हमारा कैप वाला पोर्शन बन रहा है अब रोड नंबर ट्वेंटी वन पर आते हैं ये देखिए अब रोड नंबर ट्वेंटी वन आ गया और रोड नंबर ट्वेंटी वन में आप क्या करना है हमको पांच ब्लैक की जगह यहाँ पे चार ब्लैक हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव ब्लैक एक यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और ये दो फंदे जो है वो ब्लैक बन जाएंगे ग्रीन के ऊपर ब्लैक और उसके बगल में एक ब्लैक लग जाएगा यहाँ रेड के ऊपर ग्रीन लग जाएगा और ये पांच फंदे हमारे ब्लैक बन जाएंगे रोड नंबर ट्वेंटी वन में यहाँ पे ये देखिए मेरा डार्क ब्लू बन गया यहाँ से मेरा पांच ब्लैक की जग पाँच ब्लैक बन जाएंगे इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव पाँच ब्लैक बन गया रेड के ऊपर ग्रीन आ जाएगा यहाँ रेड का काम ख़त्म अब दो ब्लैक बनेगा उसके बगल में ये इस तरह से ये ग्रीन एक ग्रीन दो ब्लैक पाँच ब्लैक एक ग्रीन दो ब्लैक अब बाकी सब डार्क ब्लू अब रो नंबर ट्वेंटी टू पे आ जाते हैं हम ये लास्ट हमारी रो है रो नंबर ट्वेंटी टू अब यहाँ पे एक ब्लैक जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा ग्रीन के ऊपर एक ब्लैक बन जाएगा तो इस तरह से हमारे तीन ब्लैक बन जाएंगे वन टू थ्री थ्री ब्लैक उसके बाद एक ग्रीन यहाँ पे देखिए तीन ब्लैक बना एक ग्रीन फिर ये बच्चे चार फंदे ब्लैक वाले चार ब्लैक के ऊपर चार ब्लैक बनेगा बाकी डार्क ब्लू के ऊपर डार्क ब्लू बन जाएगा तो यहाँ पे हम एक ग्रीन होगी यहाँ पे तीन ब्लैक था उसके बाद एक ग्रीन अब चार <coughs> ये हमारे चार ब्लैक बन गए फिर बाकी डार्क ब्लू बन गया और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया जो कि ग्राफ की हेल्प से हम देखें कितना सुंदर और बहुत ही इजी वे में ये डिज़ाइन को बना लेते हैं और कोई भी डिज़ाइन है तो इस तरह से ग्राफ से हम देख के इसको बिगनर्स भी बड़े आसानी से बना सकते हैं अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पुराने है तो हैं तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आती रहूं थैंक यू वाचिंग माय दिस वीडियो